लखनऊ शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग महासचिव शहजाद खान की ओर से प्रभाग क्रमांक 33 में जरूरतमंद जनता को सरकारी योजनाओं से मदद मिले, इस उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता गिरीश पांडव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हमारे देश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की ओर से लाई तो जाती है, लेकिन जिन लोगों को उसकी सही मायने में जरूरत होती है वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती। इस चीज को समझते हुए नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग महासचिव शहजाद खान की ओर से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य से प्रभाग क्रमांक 33 के नागरिकों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता गिरीश पांडव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हमारे नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव शहजाद भाई इनके ओर से आज इस एरिया में विविध शासकीय योजना का जो कैंप होते हैं उसका यहां कैंप लगाया गया है। आज यहां पर संजय गांधी निराधार योजना का, उसी प्रकार पैन कार्ड, आधार कार्ड और सीनियर सिटीजन कार्ड, ऐसे विविध प्रकार के कार्ड यहाँ पर आज बनाए दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरतमंद होती है। हर आज अपन जहाँ भी जाते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी हो गया है। और मैं सही में हमारे भाई जो सजाद भाई है उनकी पूरी टीम है, उनको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सही मायने में आज वो गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। ये जो कौशल्या नगर है, कुकड़े लाउट जो एरिया जो है, ये एक मध्यम वर्गीय लोगों का एरिया है और मुझे लगता है कि इस एरिया में इस प्रकार के कैंप होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से सभी को गुजारिश करूंगा कि ये जो दो दिन चलने वाला कैंप है इसमें यहाँ किस एरिया के नागरिकों ने इसका लाभ लेना चाहिए, ऐसे मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ। इस शिविर के संदर्भ में आयोजक शहजाद खान और प्रशासकीय सलाहकार संजय बावनगढ़ी ने अधिक जानकारी साझा की। सबसे पहले तो मैं गिरीश भाऊ का, मनोज भाऊ का, सोहेल भैया का, संजय बावनगढ़ी साहब का, जितने मेरे साथ में जो सपोर्ट किए उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे जो कौशल्या नगर है, जो भावनी जैसी बताया है, ये बहुत ही गरीबी ने कोरोना में और भी मतलब उनको लाचारी से गुजरना पड़ा है और यहाँ पे हमारे मनोज भाऊ की सेवा कोई आया नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो गिरीश बाबू से पूछा कि कैंपिंग लेना, गिरीश बाबू बोले बिंदास लो बोले आप, क्योंकि यहाँ की जो लोगों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ताकत लग मैंने वो किया हूँ और इतना बड़ा शिविर से लिया। कम से इसके बारे में हमारे संजय भैया थोड़ा लगभग लगभग अभी तक के बारे में 800 से 900 लोगों ने इसका लाभ लिया है और अभी शाम के 5-6 बजे के बाद में भी और ये कैंप चलने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइटिंग का वगैरह सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, तो लगभग नहीं कुछ तो 1500-2000 लोग तक कामला हमारा पूरा का पूरा। इसके बाद हम रुकेंगे नहीं और शिविर लेंगे, हर जगह शिविर लेंगे और लोगों को उनके समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर बात करते हुए नगर सेवक मनोज कावंडे ने बताया कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, जिसके चलते ऐसे लोगों के लिए ये शिविर मददगार साबित होगा। मैं सबसे पहले तो आयोजक का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, माननीय गिरीश भाऊ पांडव और समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी, इन्होंने नागरिकों की जो समस्या है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का अगर लाभ लेना है तो आधार कार्ड से लेकर हर एक चीज़ वो आवश्यक होती है। अगर तुम्हारा आधार कार्ड भी अगर लिंक नहीं है तो आप वो योजना का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि अभी मैं खुद राशन ऑफिस जाकर आया हूँ, जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं है या अपडेट नहीं है उनको गवर्नमेंट राशन नहीं दे रही, ऐसी समस्या है। तो शहजादा खान भाई ने जो यहाँ पर जो आयोजन किया है ये नागरिकों के सुविधाओं के लिए है कि यहाँ से सेतु जाना या और कोई एखादे कोई इंस्टीट्यूट जाना, इसमें लोगों को बड़ी समस्या होती है। आज अगर किसी को आधार अपडेट करना है तो मानकापुर जाना पड़ता है, मानकापुर का डिस्टेंस यहाँ से नहीं बोले तो 10-15 किलोमीटर का पड़ता है। बता दें कि इस शिविर में आयुष्मान भारत योजना, ई श्रम कार्ड, असंगठित कामगार नोंदी समेत अन्य योजनाओं के केंद्र नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।